लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे भाई प्रीतम, आज कुछ कैदी बदली होकर यहाँ आ रहे हैं। उसमें जग्गे का बड़ा भाई बग्गा भी है। वो अपने भाई के खून का बदला तुमसे लेना चाहता है। हाँ, और आज तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन है ना? जरा संभल के रहना। हाँ बग्गा, ये बग्गा कौन है? बग्गा नाम है मेरा सोड़िया। जानता हूँ, इसीलिए तो तुमने इस जेल में बदली करवाई है। लगता है इस जेल का खाना तुझे बहुत अच्छा लगता है बग्गा। खाना किस कमबख्त को पसंद है। मैं तो यहाँ किसी का खून पीने आया हूँ। मगर बग्गा, अगर मगर तोड़ कर अपनी जेब में रख ले सोनिया, वरना उस पंछी के पर कतरने से पहले कहीं तेरी गर्दन डाउन ना हो जाए। गलती हो गई बग्गा, मैं तो यूं ही पूछ बैठा। गलती तुझसे हो गई ना, मुझसे नहीं होगी। ज्यादा खाकर भी क्या करेगा, अब तो तेरा आखिरी वक्त आ गया है सोनिया। क्या चाहता है बग्गा? एक छोटी सी तमन्ना लेकर बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं। सुना है कल तुम इस जेल से रिहा होने वाले हो। इससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की कैद से रिहा करना चाहता। देख, 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 तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तेरे भाई ने मेरा जीना मुश्किल किया हुआ था, फिर भी मैं उसे नहीं मारना चाहता था। वो तो बेवकूफ था जो जबरदस्ती तुम्हारे रास्ते में आ गया। मैं अपनी मर्जी से आया हूँ तुम्हें ठिकाने। देख बग्गा, मैंने बड़ी मुश्किल से 7 साल इस जेल में गुजारे हैं। सिर्फ एक ही उम्मीद के सहारे जिंदा रहा हूं कि कब इस जेल से बाहर जाऊं, कब अपनी रानों को तलाश करूं और कब अपने बच्चे का मुंह देखूं। पहले अपनी आंख के सामने खड़ी इस मौत को देख ले सोनिया। बग्गा, मैं तुझसे उलझ कर फिर से वही कहानी नहीं दोहराना चाहता जिसकी वजह से 7 साल मुझे इस जेल के अंदर खुट खुट कर जीना पड़ा। मैं तो बस अपनी रानो। रानो क्यों तड़प रहा है उसके लिए? वो तो ना जाने कितने मर्दों की रानी बन चुकी होगी। बग्गा, ये यहां क्यों आया? इसका इलाज मैं करता हूं, पकड़ ले इसे। ले जाओ इसे। जाता हूं सोनिया, कह दे अपने इस पंछी प्रीतम से मैं फिर आऊंगा। बग्गा, देख बग्गा, बच्चे बग्गा, अभी तो तुझे तेरे बीवी और बच्चे से। देख बग्गा, देख, मुझे बीवी बच्चे से मिला। रुक जाओ बग्गा। जिंदगी तो बच गई डॉक्टर साहब, मगर आंखों की रोशनी चली गई। जेल से तो आजाद कर दिया गया, मगर तकदीर की जंजीर में अभी तक जकड़ा हुआ हूं। अब तो ऐसी हालत हो गई है मेरी कि रानो सामने भी हो तो उसे देख नहीं सकता, मेरा बच्चा मेरी गोद में भी हो तो उसे पहचान नहीं सकता। मुझ जैसा बदकिस्मत शायद ही इस दुनिया में कोई और होगा।
कोई कसर उठा रखूंगी? बिल्कुल नहीं। अरे ये अभी तक कमरे में ही है, बाहर क्यों नहीं आता? बेटा प्रभात, हाँ इधर आना, देख कितनी तैयारियां कर रखी है मैंने। हाँ वहाँ क्यों खड़ा है? देखना ये हार देख, उसे पसंद आएगा हा? और ये साड़ियां देख। तू बोलता क्यों नहीं? बोलना, तू चुप रहता है तो मुझे डर लगता है। क्या हुआ? माँ इतनी सारी तैयारियां क्या जरूरत थी? अरे ये तो कम है, सच बताऊं लगता है कि कहीं किस्मत मुझसे मजाक तो नहीं कर रही। नहीं माँ ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हेलो कुमार। हेलो। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? जी नहीं तो। देखो आज पहली बार तुम्हारी आवाज तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे रही, बात क्या है बताओ? जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखो आज उस मरीज की आंखों का ऑपरेशन है और इस अस्पताल में तुम्हारा पहला ऑपरेशन, तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ ठीक है तबीयत। ओके बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। डॉक्टर आज मेरे साथ ड्यूटी पर कौन कौन सी नर्स है? घबराओ नहीं, वो भी होगी जिसने आगे चलकर सारी जिंदगी तुम्हारी मदद करनी है। देखिए सर मैं दरअसल माँ का कहना है कि दो दिन के बाद शादी, इसलिए वो नहीं चाहती कि दुल्हन घर के बाहर निकले। ओके एज यू विश। थैंक यू। कमाल करते हैं डॉक्टर साहब आप भी, कल अगर उनकी शादी है तो मेरी भी तो है, अगर वो ऑपरेशन कर सकते हैं तो मैं अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर सकती? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो संध्या, मगर मुझे जो डॉक्टर कुमार ने करने को कहा मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। ऑल राइट। सुनिए तुम यहाँ कैसे आ गए? बाहर जाओ। सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से तुम। कैसा हुआ ऑपरेशन? ऑपरेशन तो ठीक हुआ। देख पाएगा? देख भी पाए ना भी देख पाए, मैं डॉक्टर हूं, इंसान हूं, कोई भगवान नहीं। छोटे डॉक्टर कहाँ थे इतने दिन? बहुत बिजी था अंकल, एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। वो जो अपने डॉक्टर साहब है ना डॉक्टर कुमार, उनकी शादी हो रही है दीदी के साथ। दीदी से? हमारी नर्स दीदी संध्या, वो पहले मेरी दीदी थी अब मेरी माँ है। लो ये लड्डू भेजे डॉक्टर साहब की माँ ने, शादी के लड्डू है, आओ आपको मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। मैं खा लूंगा बाद में।
मगर खाना जरूर। अब मैं चला, क्योंकि पूरे अस्पताल में लड्डू बांटने ना मरने की भी फुर्सत नहीं। अरे कौन नर्स? देखो रे सब कुछ गिर गया, मेरी रानू भी यही कहीं है, जरा उसे उठा देना नर्स। हाँ ये मेरी रानू है, देखना इसमें कहीं कोई दाग तो नहीं लग गया है ना। आंसू? अरे तुम रो रही हो? अच्छा लगता है मुझे दुखी देखकर, शायद तुम्हें भी कोई अपना दुख याद आ गया। नहीं मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, तो फिक्र मत करो, दो घंटे तक वो आंख नहीं खुलेगा। कैसे हो प्रीतम? आइए डॉक्टर साहब, अंधा हो ना इसलिए सब कुछ बिखर गया, आपकी शादी के लड्डू भी। कल तुम्हारी आंखों की पट्टी खुलने वाली है, जानते हो ना? हाँ डॉक्टर साहब जानता हूँ। कल तुम्हारा भी इम्तिहान है और मेरा भी। डॉक्टर साहब आपने मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान किए हैं, एक आखिरी एहसान और कर दीजिए ना, कल जब पट्टी खुले तो मैं सूरज की रोशनी की पहली किरण उस देवी के चेहरे पर देखना चाहता हूं जिसकी आवाज मेरी रानों से मिलती है और जो जीवन के सफर में आपके साथ ही बनने वाली है। नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊंगी। संध्या तुम मेरी बात। लेकिन आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं आप? वो चाहता है जब उसकी आंखों की रोशनी वापस आए तो सबसे पहले वो तुम्हें देखे। मगर ये कैसी जिद है इस मरीज की? माँ ये तुमसे ज्यादा संध्या समझती है। देखो संध्या, मैं एक डॉक्टर हूं, तुम एक नर्स हो और वो हमारा मरीज है, उसकी हर तमन्ना पूरी करना हमारा फर्ज है। तुम आओगी मेरे साथ इसी वक्त? स्टेला धीरे धीरे तुम्हारी तमन्ना थी ना, सबसे पहले तुम संध्या को देखना चाहते हो, देख लो तुम्हारे सामने खड़ी है, अच्छी तरह देख लो। डॉक्टर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर क्या कह रहे हो तुम? मैं सचमुच कुछ देख नहीं पा रहा डॉक्टर, ये हो ही नहीं सकता। हाँ डॉक्टर तुमने ठीक ही कहा था, इन आंखों में रोशनी आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, शायद उजाला मेरी किस्मत में है ही नहीं। डॉक्टर उजाला मेरी किस्मत में है ही नहीं। डॉक्टर साहब वो ऑपरेशन ये कैसे हो गया? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, ये ऑपरेशन नाकाम तो नहीं हो सकता था। उसकी आंखों की रोशनी वापस आना बहुत जरूरी था डॉक्टर साहब। हाँ बहुत जरूरी था, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। हा? मैंने
पूरी कोशिश की थी कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, जबकि मुझे डर था कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आते ही मेरी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। तो आप? हाँ, मैं प्रीतम और तुम्हारे बारे में जानता हूँ। आपको सब कुछ मालूम था? हाँ, सब कुछ। पर आपने मुझे फिर भी कुछ भी नहीं बताया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि... आपने मुझे इसलिए नहीं बताया कि आप नहीं चाहते थे कि प्रीतम की जिंदगी में कोई रोशनी की किरण वापस आ जाए, इसीलिए आपने मुझे ऑपरेशन थिएटर में नहीं आने दिया। और यही वजह थी कि इतने बड़े डॉक्टर होते हुए भी आपका ऑपरेशन नाकामयाब रहा। पागल हो गई हो क्या? क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं तो वैसे भी आपके और बाजी के एहसानों के तले दबी हुई। इसीलिए मैं नहीं चाहता था तुम अपने दिल पर एहसान का बोझ लेकर कोई फैसला करो। लेकिन जब भी मैं मां को देखता था मुझे डर सा लगता था। जो सपना उसने सजा कर रखा है अगर वो टूट गया तो क्या होगा उसका? पर फिर मैं भी तो चाहने लगा था तुम्हें, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था कि प्रीतम की आंखें आ जाए, तुम दोनों एक दूसरे को देख लो, वो तुम्हें ये भी बता दे कि कोई कसूर नहीं था उसका जो वो शादी के मंडप तक नहीं पहुंच सका। अब उसके बाद तुम दोनों जो भी फैसला करते मुझे मंजूर था। ये भगवान आपने एक और बात कहूं तुमसे, मैं खुद ही टोनी को बताने वाला था कि उसे नया बाप खोजने की कोई जरूरत नहीं, वो 10 नंबर वाला मरीज प्रीतम उसका असली बाप है। 10 नंबर का मरीज मेरा असली बाप? मुझे यकीन था तुम्हें आंखों की रोशनी वापस मिल चुकी है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, सच्चाई देखने के बाद तुम आंखें क्यों बंद कर लेना चाहते हो? सच्चाई देखने के लिए बहुत देर हो गई डॉक्टर साहब। रानू अब संध्या हो चुकी है और संध्या की आज शाम को आपसे शादी है। ये मेरा पागलपन था कि उसे दुल्हन के भेष में आपको अस्पताल लाना पड़ा। अपनी आंखें वापस आने का मेरे से और किसी को अफसोस नहीं हुआ होगा। ट्रक चलाता रहा हूं जिंदगी भर, किस्मत में शायद कहीं ठहरना लिखा ही नहीं। किस्मत ने तो अपना फैसला उसी दिन सुना दिया था जब तुम घायल होकर इस हॉस्पिटल में आए थे, लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी यह फैसला टालता रहा। मां के अरमान और अपनी चाहत ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। ये पट्टी बंधे ही रहने दीजिए डॉक्टर साहब, जिन आंखों को अंधेरे की आदत हो जाए वो रोशनी में भी कुछ नहीं देख पाती। लेकिन मुझे जो देखना था मैं देख चुका। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, रानू तुम्हारा इंतजार कर रही है, मंडप भी सजा हुआ है, मुहूर्त भी है, इस शुभ घड़ी में ये शुभ काम हो ही जाना चाहिए। माँ यासु, खुशी के है बेटे, बहू को बेटी बनाकर विदा किया है मैंने। किस्मत वाली हो माँ,
बेटी का दान तकदीर वाले ही किया करते हैं। जिंदगी भर दूसरों के आंसू जमा करता रहा, आज अपने ही आंसू मां से छिपा कर जा रहा है।